नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर आजमगढ़ मंडल के दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता व सांसद संजय सिंह सोमवार को आजमगढ़ जिले के सिधारे स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान संजय सिंह ने जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। पार्टी के सिधारे स्थित कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी की सदस्य अभियान को धार देने के लिए आजमगढ़ मंडल का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने एक माह में 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4.5 सालों में भाजपा सरकार की असलियत सरकार के सामने आ गई। आज उत्तर प्रदेश को नरक बना दिया गया। कानून व्यवस्था खराब है, आए दिन बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। SP व्यापारी से रंगदारी की मांग करता है और हत्या करा दी जाती है। हाथरस जैसा जघन्य कांड हुआ है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती में OBC कोटे को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए आंदोलन करने वालों पर सरकार ने लाठियां भाजी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिशोध व नफरत की राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा को चंदा चोर पार्टी संबोधित करते हुए कहा कि राम के नाम पर जिन लोगों ने चंदे की चोरी की हो उनको प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कोरोना महामारी में सरकार ने प्रदेश को शमशान बना दिया गया। सदस्यता अभियान के कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ और बलिया जा रहा हूँ। इस पूरे अभियान के तहत 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य हम लोगों ने बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता को बताने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को नरक बनाने का काम किया है। कानून व्यवस्था इतनी बदतर है कि 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। व्यापारी की SSP रंगदारी मांग के हत्या करा देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जैसा कांड होता है। उत्तर प्रदेश में आज हालत यह है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों का शिक्षक भर्ती में आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। उसके लिए वो लोग आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियां भाजी जाती है। एक प्रतिशोध और नफरत की राजनीति के बुनियाद पे आदित्यनाथ जी अपना शासन चला रहे हैं, जहां पर खुशी दुबे 4 महिलाओं के साथ और एक बच्चे के साथ पिछले 1 साल से जेल में सड़ रही है। तो ये हम लोगों को समझना होगा और बताना होगा कि ये चंदा चोर पार्टी है, इसको इस बार मिलके हम लोग हराएं। चंदा चोर इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रभु श्री राम के नाम पे ये सत्ता में आए। इनका नारा था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, आज इनका नारा हो गया रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरी करा रहे हैं ये लोग। कानपुर वालों ने बैनर लगा दिया चंदा चोरों से सावधान, तो भाजपा ही खंभे पे चढ़ के उसको फाड़ रहे हैं। आप बताइए ये हालत हो गई इनकी। राम के नाम पर जिन लोगों ने चंदा चोरी की है उत्तर प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाएगी। और दूसरी बात, ये पार्टी एक मनहूस पार्टी है, ये हमें समझना होगा। 2017 के चुनाव में घूम घूम के आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने, पूरी भाजपा ने गांव गांव में जाके कहा हमें शमशान बनाना, हमें शमशान बनाना है, हमें शमशान बनाना, हमें। और इन मनहूस लोगों ने गांव गांव में कोरोना की महामारी में शमशान बना दिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि शमशान बनाने वाली पार्टी चाहिए या स्कूल अस्पताल बनाने वाली पार्टी चाहिए या बिजली फ्री करने वाली और बेरोजगारी भत्ता और नौजवानों को रोजगार देने वाली पार्टी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है और मुझे लगता है कि जनता इस बार तैयार बैठी है और अब की चुनाव में भाजपा को जितने बड़े मतों से जिताया था उतने ही बड़े मतों से हराने का काम करेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।